20 नंबर के सामने से आपको दिल्ली चंडीगढ़ मनाली अंबाला, आगे टिकट बुक करने के लिए इस तरह से काउंटर भी नंबर तक आपको देहरादून के लिए बसेस मिल जाएंगी। यहाँ पे खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। टिकट वगैरह भी ऊपर देख सकते हैं। बसों के टाइमिंग्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल ब्लॉग्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ महाराणा प्रताप कश्मीरी गेट ISBT में। अगर दिल्ली से बस से किसी अदर स्टेट में आपका जाना हुआ हो या फिर किसी अदर स्टेट से आपको दिल्ली में आना हुआ हो तो आप महाराणा प्रताप कश्मीरी गेट ISBT जरूर आए होंगे। अगर नहीं भी आए होंगे तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कश्मीरी गेट ISBT से रिलेटेड सारी जानकारी के साथ साथ फुल टूर कराने वाला हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, कश्मीरी गेट बस अड्डे तक पहुंचने के लिए नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन होगा वो कश्मीरी गेट का ही होगा। आपको मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 7 या फिर 8 से एग्जिट लेना है, सामने आप कश्मीरी गेट बस अड्डा देख पाएंगे। जैसे यहाँ से ना आपको घूम के उस तरफ से आपको बस अड्डे की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आप यहां तक बस से आना चाहते हैं तो ये कुछ बस नंबर्स होंगे जो यहां से होकर गुजरती है, बाकी ISBT नाम से ही बस स्टॉप होगा। बाकी अगर आप यहां पे किसी को छोड़ने आते हो या फिर बाइक रख के कहीं और जाना चाहते हो तो यहां पे पार्किंग भी अवेलेबल होगा। बाकी पार्किंग चार्जेस आप यहां पे देख सकते हैं, 4-व्हीलर के लिए 50 रुपये रहेगा 4 घंटे के लिए, 2-व्हीलर का 30 रुपये रहेगा 3 घंटे के लिए, और हेलमेट अगर आप जमा करते हो तो उसका 10 रुपये रहेगा 10 घंटे के लिए। तो गाइस, इस वीडियो में मैं कश्मीरी गेट बस अड्डे से रिलेटेड सारी जानकारी कवर करूंगा। कश्मीरी गेट ISBT से कौन कौन से स्टेट के लिए बसें जाती है, उनका टाइमिंग क्या रहेगा, टिकट कैसे और कहां से बुक करें, किस प्लेटफॉर्म से आपको कौन से स्टेट के लिए बस मिलेगा, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। अंदर एंट्री करने से पहले लेफ्ट साइड में आपको स्टेट बैंक और ATM दिख जाएगा। विकलांग व बुजुर्गों के लिए यहाँ पे व्हील चेयर की सुविधा भी उपलब्ध होगा। चेकिंग के बाद जैसे ही आप अंदर पहुंचेंगे आपके लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर्स आपको दिख जाएगा। इन काउंटर से आप टिकट खरीद सकते हैं, बाकी टाइमिंग्स वगैरह भी आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। टिकट आप यहां से भी खरीद सकते हैं या फिर नीचे जाएंगे तो नीचे भी आपको काउंटर्स मिल जाएंगे, आप नीचे से भी टिकट खरीद सकते हैं। थोड़ा सा आगे आने के बाद आप यहां पे देखेंगे यहां पे बैठने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था बनाया हुआ है। अगर आपको रेस्ट वगैरह करना है तो आप यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। बाकी शॉपिंग व खाने पीने के कई सारे स्टॉल भी आप अंदर देख पाएंगे। तो अंदर एक मार्केट भी लगाया हुआ है। ये नीचे किंग रहेगा इस तरह से, और खाने पीने के लिए आपको समोसा पेस्टीज वगैरह यहाँ से आपको मिल जाएगा। एस्केलेटर लगाया हुआ है यहाँ पे, लिफ्ट भी है यहाँ पे नीचे जाने के लिए, और विकलांगों के लिए इस तरफ बनाया हुआ है। कश्मीरी गेट बस अड्डे से कई सारे स्टेट के साथ साथ नेपाल के लिए भी बस जाती है। कौन कौन से स्टेट के लिए बस जाती है यहाँ से, चलिए जानते हैं। यहाँ से आप हिमाचल रोडवेज के थ्रू शिमला, मनाली, पालमपुर और चंबा के लिए जा सकते हैं। वहीं पंजाब रोडवेज से आप पटियाला, जलंधर, लुधियाना, कपूरतला, फरीदकोट के लिए जा सकते हैं। चंडीगढ़ के लिए भी आपको यहां से बस मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर रोडवेज से आप जम्मू, श्रीनगर, कटरा के लिए जा सकते हैं, और राजस्थान रोडवेज से आप जयपुर जा सकते हैं, और हरियाणा रोडवेज से आप हिसार, अम्बाला, फतेहबाद और कैथल के लिए जा सकते हैं। हरियाणा रोडवेज का मुझे और एक बोर्ड दिखा जिसके अनुसार आप भिवानी, पानीपत, हिसार और बहादुरगढ़ के लिए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज से आप मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, बड़ौत, मुजफ्फरनगर और नेपाल के लिए जा सकते हैं। उत्तराखंड रोडवेज से आप कोटद्वार, रुड़की, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और पिथौरागढ़ के लिए जा सकते हैं। टिकट बुक करने के लिए इस तरह से काउंटर भी हुआ, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, ऊपर से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। नंबरिंग स्टार्ट हो रहा है, ये 45-46-1 स्टार्ट हो रहा है, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ऐसे ही नंबरिंग करा हुआ है। ये 2-3-4, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट्स की बसेस रुक रही हैं। तो मैं पता करके आप लोगों को बताता हूँ कि किस नंबर पे कौन से स्टेट का बस रुक रही है।
उत्तराखंड परिवहन है 5 नंबर पे, ये उत्तराखंड परिवहन का होगा। सिक्स नंबर का भी बताते हैं, मेरठ, सिक्स नंबर पे मेरठ वाली गाड़ी खड़ी है। ये सेवन नंबर पे भी मेरठ खड़ी है। ये सामने 8 नंबर है, ये भी मेरठ है। 8 नंबर पे भी मेरठ की गाड़ी खड़ी है। 9 नंबर पे रूड़की हरिद्वार ऋषिकेश, 9 नंबर पे रूड़की हरिद्वार ऋषिकेश। सामने 10 नंबर, ये देहरादून के लिए जा रही है यहाँ से। ये 11 नंबर है, ये भी देहरादून ऋषिकेश के लिए है। ये 12 नंबर का है, और 12 पे भी देहरादून, दिल्ली रुड़की और देहरादून। 13 नंबर है, ये भी दिल्ली हरिद्वार ऋषिकेश के लिए खड़ी है, कोटद्वार। ये 13 नंबर के सामने ये कोटद्वार के लिए भी गाड़ी आपको मिल जाएगा। एक मार्केट भी होगा, वॉशरूम होगा आपको 12 नंबर के जस्ट पीछे, आपको वॉशरूम मिल जाएगा। 15 नंबर के सामने देहरादून के लिए आपको बस मिल जाएगा, और 16 नंबर के सामने है, कौन सी बस है ये, उत्तराखंड परिवहन का है, दिल्ली टू देहरादून के लिए जा रही है बस। 17 नंबर तक आपको देहरादून के लिए बसेस मिल जाएंगी, दशहरा देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये 18 नंबर, यहाँ पर कोई बस नहीं लगी हुई है, और 19 नंबर के सामने ये लगा हुआ है दिल्ली से पांवटा साहिब वाया यमुनानगर। बाकी काउंटर आपको ऊपर भी मिल जाएगा, इस तरह से नीचे भी मिल जाएगा, यहाँ से भी टिकट बनवा सकते हैं, ऊपर से भी बनवा सकते हैं। 20 नंबर के सामने से आपको दिल्ली चंडीगढ़ मनाली अम्बाला बिलासपुर मंडी और कुल्लू के लिए बस मिल जाएगा। 21 नंबर के सामने से आपको मिल जाएगा दिल्ली ऊना चंडीगढ़ और चढ़ियार, में कोई बस नहीं है, ये हिमाचल के लिए यहाँ से आपको मिलेगा। बाकी सामने देखते हैं, 22, 23 या 24, ये चंडीगढ़ के लिए, शायद पंजाब या चंडीगढ़ के लिए। इसके सामने आपको पंजाब के लिए बस मिल जाएगा, और 25 के सामने आपको मिल जाएगा दिल्ली जलंधर जम्मू और कटरा। ये 26 नंबर के सामने आपको लुधियाना की बस मिल जाएगी। ये 27 नंबर के सामने आपको चंडीगढ़ के लिए बस मिल जाएगा, यहाँ पे कोई बस है नहीं। इधर आ गया हम हरियाणा रोडवेज की तरफ, हरियाणा जम्मू कश्मीर कटरा अमृतसर, ये है नंबर 28, और दिल्ली जम्मू कश्मीर और कटरा लुधियाना बाईपास जलंधर। 29 नंबर पे है, सामने खड़ा है दिल्ली चंडीगढ़ पानीपत पीपली अम्बाला। ये 30 नंबर पे है वोल्वो बस हरियाणा के लिए, यहाँ पे भी कोई बस नहीं है, बाकी वोल्वो बस आपको यहाँ से मिल जाएगा। 31 पटियाला अम्बाला लुधियाना और खन्ना बस अड्डा, तो ये हरिद्वार के लिए भी। 31 नंबर पे हरिद्वार का लगा हुआ है, पता नहीं हरिद्वार का पीछे भी मैं देख के आया, 12-13 नंबर पे भी हरिद्वार का लगा हुआ था, और यहाँ पे भी हरिद्वार का लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे काउंटर जो है वो पटियाला अम्बाला का है। 32वें नंबर पानीपत कुरुक्षेत्र 32-33, ये पानीपत के लिए जा रही है। 34-35 यहाँ पे कोई बस नहीं है, खाली है। बाकी ये हरियाणा की तरफ जाने वाली बस यहीं से जाती है, 34-35 यमुनानगर कैथल। बाकी सोनीपत के लिए काउंटर आपको मिल जाएगा 39 के सामने, सोनीपत के लिए आपको यहाँ से टिकट मिल जाएगा 39 के सामने, ये रहेगा सोनीपत के लिए बस स्टैंड। या 40 नंबर पे 40-41-42 यहाँ से आपको दिल्ली झज्जर पिलानी दादरी लोहारू, ये सभी बसें आपको 41 से मिल जाएगा। और 42 नंबर के सामने आपको मिल जाएगा भिवानी लोहारू पिलानी, ये सारी बसें आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये पता नहीं बीच में क्या लिखा हुआ है,
ये 43, 44 और 45 हिसार के लिए बस यहाँ से मिलेगा आपको। यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म नंबर और कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे कौन सी गाड़ी रुकती है और गाड़ी आपको कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच मिल जाएंगी और कितने टाइम के अंदर गाड़ी चलती है वो सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप वीडियो को रोक रोक के ये सारी जानकारी भी ले सकते हैं। बाकी लोकल सेवाओं के लिए बसें आपको प्लेटफॉर्म नंबर 47 से 52 के बीच में मिल जाएंगी। बाकी अगर किसी को मिनी बस स्टैंड DTC ब्लॉक के अंदर जाना है तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से एग्जिट करते ही आप सामने देख पाएंगे। लगभग सारी जानकारी मैंने वीडियो में कवर कर दिया है। बाकी अगर कुछ भी छूट जाता है तो आप कॉमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। दिल्ली फतेहगढ़ के लिए जा रही है, यहाँ पे खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ये काफ़ी कुछ खरीद भी पाएंगे। ये टिकट काउंटर होगा, बाकी टिकट वगैरह भी ऊपर देख सकते हैं। अंदर जाने के लिए ऊपर ओवरब्रिज भी बनाया हुआ है।